नमस्ते दोस्तों, मिर्ची रफ्तार से मैं अश्निल सिंह, शामिल हो जाइए हमारे साथ मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 3 to 7 PM। समाचार दर्शन पर आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एक अफसर तथा एक अन्य व्यक्ति को आज शाम सुबह मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किए गए। दोनों पर मिनिस्ट्री को धोखा देकर लगभग $60,000 यानी $60,000 की हेराफेरी करने का आरोप है। जोसाइया बैनीवालू और किनीबुआई लेनाती पर आरोप है कि वे गलत रूप से बस के वाउचर और बस के भाड़ा वाली टिकटों के कागजात को तैयार करने के साबित किए कि 28 वर्षीय लेनाती किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चों की यातायात के लिए सेवा प्रदान कर रहा था। ऐसा आरोप है कि दोनों ने इसमें से $30,000 यानी $30,000 को भोजन सामान खरीदने में खर्च किए। दोनों अभियुक्त को 9 तारीख अक्टूबर को दोबारा अदालत में पेश किए जाएंगे। फिजी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन बायोसिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ फिजी पर छानबीन कर रही है। इसकी जानकारी FBC न्यूज को अटॉर्नी जनरल तथा मिनिस्टर फॉर पब्लिक एंटरप्राइज अय्यर सैयद क्यूम ने दी थी। FBC न्यूज को पता चला है कि BIF के कुछ सीनियर अफसरों को घर भेजा गया है ताकि उन पर छानबीन की जा सकती। फिजी को एशियन मार्केट में अपने उत्पादनों को निर्यात यानी एक्सपोर्ट करने के लिए चाइना में अपनी बढ़ावा पर ठोस कदम लेना पड़ेगा। चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डिप्टी डायरेक्टर जनरल फांग क्विशन का कहना है कि चाइना में बहुत कम लोगों को फिजी तथा यहाँ के उत्पादनों यानी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है। चाइना में अगले सप्ताह एक आर्थिक सभा यानी इकोनॉमिक फोरम होगी जिसे खास तौर पर प्रशांत के देशों के लिए आयोजित की गई है। और खेलकूद में फिजी रग्बी हाउस के 2 सीनियर अफसरों को यानी कि जाने के बावजूद FRU चेयरमैन फिलिमोनी वंगबादा आशावादी हैं कि फिजी में खेलकूद के भविष्य उज्जवल रहेगा। FRU के पास कई सालों से कोई मुख्य स्पॉन्सर नहीं है। फिलहाल नए कोच बेन रायन के आने से देश में रग्बी के स्तर में और भी सुधार होने की आशा की जा रही है। और ये थे आज के मुख्य समाचार। कल हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज। सूरज की पहली किरण के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। सुबह का मंगल प्रभात आपको शुभ हो। सुबह सुबह हो खुशियों का मेला, ना लोगों की परवाह ना दुनिया का झमेला, पंछियों का संगीत हो और मौसम अलबेला, मुबारक हो आपको ये खूबसूरत सवेरा। हर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक शामिल रहें रेडियो फिजी 2 पर हम सफर में रविंद्र सिंह के साथ।